बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ के बीच में यहाँ सी फॉर चाय होता है और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेरियन। Hi, Sat Sri Akal, Namaste. Mera naam Tevan ha. Mera naam Simran hai. And we are the Scroll Chat. So, what are we doing for today's video? Today we're going to react to why India is great. Woohoo! Part 1. So, without any further ado, let's get started. Bharat, Hindustan, India. आखिर ये देश महान क्यों है? Why? Why is India great? Because India has the world's second largest population, 1.3 billion, poverty is a significant issue of this country. यह हमारा system, political issues, nepotism, women empowerment, lack of education, demonetization. Does it get right? Country? No. नहीं. यहाँ toothpaste में नमक हो ना हो, लेकिन हर एक भारतीय के खून में देश का नमक जरूर होता है. कपड़े और कार तो बात की बातें हैं. यहाँ सोच ब्रांडेड होती है. नल में पानी भले थोड़ा लेट आए, लेकिन चांद में पानी सबसे पहले हमारे चंद्रयान 1 सैटेलाइट ने डिटेक्ट किया था. एंड इसरो सक्सेसफुली लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट्स. इट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च्ड ऑन अ सिंगल फ्लाइट बाय एनी स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड. और इंडिया में खेल सिर्फ खेल नहीं होता, रिलीजन होता, जुनून होता, पागलपन होता. खेलों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तो यहाँ है ही, और इन खेलों के मेजर और भगवान भी यही है. साथ ही कबड्डी, स्नूकर, शतरंज, लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेलों का जन्म भी भारत में हुआ है. भारत को अगर पर्व और त्योहारों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जितने फेस्टिवल यहाँ मनाए जाते हैं शायद ही किसी और देश में मनाए जाते हों. अनेकता में एकता की झलक दिखाते ये त्योहार देश की संस्कृति की महानता को उजागर करते हैं. और इंडिया वालों की बातों में जो बात है उसे आप बातों बातों में समझने की कोशिश करना, और अगर कोई बात समझ में ना आए देन दैट्स योर फॉल्ट, क्योंकि भाषाओं के मामले में भारत विश्व का सबसे समृद्धशाली देश है. यहाँ 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के साथ 1600 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं. और तो और इंडिया वर्ल्ड का दूसरा सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाला देश है. कुछ भाषाएं बड़ी तीखी है तो कुछ बड़ी मीठी. वैसे मीठी से याद आया, शुगर वॉज फर्स्ट कंज्यूम्ड इन इंडिया. और 2013 के बाद से इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बन चुका है. ये तो थी शक्कर और दूध की बात. और इन दोनों के बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट बी फॉर बर्थ और डी फॉर डेथ के बीच में यहाँ सी फॉर चाय होता है. और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा वेजिटेरियंस भी इंडिया में. इंडियन क्यूजीन्स और यहाँ के मसालों की वाइड वेराइटी ने दुनिया को चटपटेपन का जायका दिया है, क्योंकि यहाँ पर बर्गर एक डिश है लेकिन वड़ा पाव एक इमोशन. और भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है. हमारी बातें सुनकर अब आप सबको इंडियन फूड की वैल्यू तो समझ में आ ही गई होगी, लेकिन पाई की वैल्यू 3.14159 होती है. ये पूरी दुनिया में सबसे पहले आचार्य बुद्धियाना ने कैलकुलेट किया था, वो भी 6th सेंचुरी में. और वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी तक्षशिला 700 बीसी में इंडिया में, जिसमें 10,500 से ज्यादा लोग 60 से भी ज्यादा सब्जेक्ट्स पढ़ते. नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डेसिमल सिस्टम और भी बहुत कुछ. ये सब इस दुनिया में सबसे पहले भारत ने इजाद किया. आयुर्वेद वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन है. भास्कराचार्य ने सबसे पहले ये गणना की थी कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है. सुश्रुता को फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, जिन्होंने आज से 2600 साल पहले अपनी टीम के साथ प्लास्टिक सर्जरी, फ्रैक्चर और इवन ब्रेन सर्जरी तक कर चुके थे. ये तो ही पुरानी बातें. आज की बात करें तो भारत की शकुंतला देवी ने इस फिगर को 2 सेकंड में वर्ल्ड के ह्यूमन कैलकुलेटर की उपाधि हासिल की. और ये किस्सा नहीं कहानी है सारी दुनिया को जो सुनानी है. सोने की चिड़िया कहा जाने वाला हमारा देश 17th सेंचुरी में वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था. 1896 से पहले इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायमंड का इकलौता सोर्स था. दुनिया के कुछ सबसे बड़े उद्योगपति भी भारतीय हैं. एंड इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन दी वर्ल्ड. जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ. यहाँ सिनेमा सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं, लाइफस्टाइल है, क्योंकि इस प्लेनेट में बॉलीवुड में सबसे ज्यादा फिल्म बनाई जाती है. और वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट एक्टर इंडियन है, नाम तो सुना ही होगा. इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज चैनल इन दी वर्ल्ड. एक आम भारतीय नेटफ्लिक्स की एक पूरी सीरीज ऑन एन एवरेज 3 दिन में देख लेता है, जो की नेटफ्लिक्स के आंकड़ों के अनुसार सबसे तेज है. एंड इंडिया हैज फास्टेस्ट ग्रोइंग टेलीकॉम मार्केट इन दी वर्ल्ड. इंडिया से सस्ता 4G नेटवर्क दुनिया की किसी और कंट्री के पास है ही नहीं. विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य बल हमारे पास है। 26 मई को स्विट्जरलैंड में साइंस डे मनाया जाता है। हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर A.P.J. अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है जिसने 1.3 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया है। भारत आज चांद तक पहुंच गया, लेकिन कुछ भारतीयों को शौचालयों तक पहुँचाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है बिकॉज इंडिया हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट, योग, ये सब हमारी सभ्यता की देन है। 0 से लेकर USB को बनाने वाला भी एक भारतीय ही था। टॉयलेट फ्लश की टेक्निक और शैम्पू से लेकर कार्बन पिगमेंट से बनी पेन की इंक, सी शेल से बनी शर्ट की बटन, ये सब कुछ उस देश की देन है जहां आहार में तो कमी हो सकती है लेकिन संस्कारों में कमी नहीं होती। जहां 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं जो किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्रीज तो क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। जहाँ एक चाय बेचने वाला इंसान अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी काबिलियत से देश की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। जहाँ देश को देश नहीं, माँ भारत माता समझा जाता है। ऐसे अखंड भारत का नागरिक होने पर हमें गर्व होना चाहिए और यही वो चीज है जो भारत को एक महान देश बनाती है। दैट्स व्हाई इंडिया इज ग्रेट नेशन। और अगर आपका दिल भी इन बातों से जोरों से धड़कने लगा है तो इसे अपने साथियों से जरूर शेयर करें। वंदे मातरम। So, goosebumps? Yeah. Yeah. Pretty intense. It is. You learn anything new? Yeah, like a lot of stuff I didn't know. India had so many satellites. I did know like they had, they were the first one to discover water on the moon, but I did not know like they had the largest ones. And they had a lot of stuff. Yeah, like I didn't know button. I did know about like Aryabhatta, who was Indian. He discovered zero. Yeah. And different things. Shampoo, ludo, chess, I knew about all of that. Yeah, it's crazy. Lots of information on there. Yeah. Hey, thanks for watching our video. Don't forget to like and subscribe below. Also comment what we should do next. And don't forget to hit the bell icon so you stay updated whenever we upload a new video. Thank you for watching. Bye. Bye.